I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood. So hey guys, what's up? Hope you guys are doing good. और ये जो आप लोग तैयारी देख रहे हो, ये एक रोड ट्रिप की तैयारी हो रही है. वो सफ़र जिसका मंजिल गोवा है, क्योंकि 12 अगस्त को भाई का बर्थडे है और भाई के बर्थडे के साथ ही एकदम गोल्डन वीकेंड लग रहा है. गोल्डन वीकेंड मतलब एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा वीकेंड है. तो इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास गोवा से अच्छा डेस्टिनेशन नहीं था. तो ये जो टूर होने वाला है और इसका ये जो सीरीज होने वाला है एकदम मज़ेदार होगा, क्योंकि इस टूर में जो हमारे लिए भी एक्सपीरियंस होंगे वो भी पूरी तरह से नए होंगे. जैसे कि हम लोग जब भी गोवा जाते हैं मोस्टली हम लोग विंटर में ही जाते हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग गोवा इन लाइक मानसून. और इस सीजन में जो कोकण में मानसून है यार, इससे मजा तो बहुत आने वाला है. और इस सबसे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि हम लोग इस बार जो रोड ट्रिप कर रहे हैं वो पजेरो से कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम ऐसा फुल साइज रियल एंड रगेड एसयूवी का फील होगा. डेफिनेटली मजा तो बहुत आने वाला है. और इस टूर की स्टार्टिंग हो रही है आज 11 अगस्त से, बट इसका जो एंड डेट है वो अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया. वो हम लोग गोवा जाने के बाद ही सही से डिसाइड करेंगे. वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि हमारी जो टूरिंग होती है उसकी मुझे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगती है, वो ये है कि हम लोग जब भी जो भी चीज़ प्लान करते हैं वो कभी भी सक्सेस नहीं होती है, और जो होती है वो एकदम इस तरह से अनप्लान्ड होती है और ऑल ऑफ सडन होती है. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गोवा के पहले जो भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने डेस्टिनेशन डिसाइड किया था, उसके बारे में आप लोग सुनोगे तो आप लोगों को भी हंसी आएगी. तो वो जो डेस्टिनेशन था वो था द्वारका. भाई ने सोचा था कि वो अपना बर्थडे भगवान का दर्शन करके, श्री द्वारकाधीश का दर्शन करके सेलिब्रेट करेंगे, पर हम लोगों को भगवान ने बोला कि बेटा अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, उम्र है, उम्र रहते हुए दुनिया घूम लो, मेरे पास दर्शन करने तो एक ना एक दिन आना ही है. तो अभी आफ्टरनून के ऑलमोस्ट 2:30 हो रहे हैं, तो फटाफट ये जो भी पैकिंग है इसको ख़त्म करते जाते हैं कार में, पूरा कार को सेटअप करते हैं, उसमें जो भी ब्लॉगिंग सेटअप वगैरह लगाना है वो सारी चीज़ें रेडी करते हैं. ये जो हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है आज रात के 1 बजे से स्टार्ट होगी, तो पूरी रात हम लोगों को सिर्फ जर्नी में जाएगा. तो जितना जल्दी ये सारा काम खत्म करेंगे उतना ज़्यादा आराम भी मिलेगा. अभी रात के 10:15 बज रहे हैं और एरिया में एकदम भयंकर पार्टी चल रही है. एनीवेज अभी ये सारा लगेज रेडी है, बस फटाफट इसको लोडिंग करना है. लोडिंग करते हैं और उसके बाद हम लोगों को लगभग 3 घंटे का विंडो मिलेगा 1 बजे तक, और उसे 1 घंटे में फ्रेश होना है और थोड़ा रेस्ट करना है, उसके बाद निकलते हैं. तो सारा बोल बच्चन बंद करते हैं और फटाफट ये ट्रिप की स्टार्टिंग करते हैं. सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन. हमारे सफर की शुरुआत अब यहाँ से होती है और फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 1 बजे बोल करके एग्जैक्ट 1:15 बजे तक निकल गए, मतलब ऑन टाइम ही है. ओनली बिकॉज ऑफ मी, ऑल क्रेडिट गोज टू मी. सो रहे थे डेफिनेटली डेफिनेटली भाई साहब ने लेट कराया है. भाई प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में मास्टर हूं मैं. रेंदो एक बार बोल चुका हूं, बार-बार नहीं बोलूंगा. क्या चैन लगाने को पैकिंग नहीं करते, पैक नहीं बोलते. सुबह बच्चे जैसा अंदर सोया था भाई, उठ भाई ऐसा मुंह निकाला टुल्लू जैसा, उठाना पड़ा तुमको. सारी मेहनत मेरी, क्रेडिट ये लोग मार रहे हैं. एनीवेज अभी यहाँ से हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया है. यहाँ से 12 घंटा लगता है जहाँ पे हम लोगों ने बुकिंग की है, मतलब जो हमारा रिसॉर्ट है वहाँ के लिए. और हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसे है कि अभी सब लोग गाड़ी में ही है तो कोई भी अलग से मारा मारी नहीं है, तो हम लोग 12 बजे तक पहुँचने का उम्मीद कर रहे हैं. और वैसे आज विंडी बहुत है, आपको ज़्यादा स्पीड नहीं मिलेगा. विंड भी बहुत अच्छा है, मार्केट भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, भी मस्त है. अपना प्रॉपर एक प्रॉपर प्लान रियल एंड रगड एसयूवी के साथ हो रहा है. भगवान जितना बड़ा युद्ध देते उतनी तैयारी तलवार के साथ भी रखते सही है, हथियार भारी है. ओ देख लो, तो हम लोगों ने ये पहला फ्यूल ब्रेक इधर पे ले लिया ताकि क्या यहीं से फ्यूल अप करके निकले. जितना हो सकेगा उतना प्लान है कि हम लोग नॉन स्टॉप जर्नी करेंगे, जरा भी टाइम वेस्ट करने का मन नहीं है यार. बस इसी तरह की बारिश मिलती रहे यार, ये सफर में मजा आ जाएगा. सो टेक्निकली दिस इज़ आर फर्स्ट ब्रेक, जो कि हम लोगों ने पुणे और सतारा के बीच में लिया है. अभी किधर तो भी बीच में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है. सो राइट नाउ इट इज़ 4:45 AM इन द मॉर्निंग एंड स्टिल 385 किलोमीटर्स टू गो फॉर आर डेस्टिनेशन, विच विल टेक अराउंड रफली लाइक 8 आवर्स. अभी तक का जो भी रोड कंडीशन है वो तो बहुत अच्छा है, ऐसा कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है. और एसयूवी है तो उसमें भी पता नहीं चल रहा है. और कार के अंदर का सीन वही है भाई, हर बार की तरह मैं जाग रहा हूँ, भाई चला रहे, भाई जाग रहे, बाकी सब लोग बीच बीच में अपनी आँख बंद करके थोड़ा थोड़ा नींद मार रहे. वैसे मैंने इस बार अपने रूट के बारे में अपडेट नहीं किया, तो इस बार जो हम लोग रूट ले रहे हो NH 48 का ले रहे हैं, मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे सतारा, और उसके बाद वही कोल्हापुर होते हुए बेलगाम, बेलगाम से फिर गोवा. तो यही रूट रहेगा अपना.
और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो ऐसे रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, माहौल और मौसम एकदम जबरदस्त है। और इसी तरह का जो ट्रिप था इसके लिए हम लोग इतने दिन से प्लान कर रहे थे और आज फाइनली हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी ये पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने ब्रेक लिया है कि सब लोग थोड़ा अपना जो भी फ्रेश होना है, निपटना है वो निपट ले। अभी तक तो सबकी एनर्जी हाई है, बट जैसे ट्रांजिशन लगेगा मेरे दोस्त एक के बाद एक विकेट गिरते जाएंगे। और जब तक अभी सूर्योदय नहीं होता तब तक मैं भी कोई चीज दिखा नहीं सकता रास्ते पे क्या है, आजू बाजू में सीनरी क्या है। वैसे अभी तक हम लोगों ने जितना भी रास्ता कवर किया है NH-48 का फुल्ली हाईवे स्ट्रेच है, तो उसमें भी कुछ दिखाने जैसा नहीं है। क्या कर रहा है भाई? ये सीट कट रहा है मेरे को सीट, नहीं एक्चुअल में ना ये प्रॉपरली टू सीटर ही है, ये जो मिड रो है। अपन क्या तीन बैठे हो, मैं तो इसमें बैठा हूँ भाई, मेरा क्या हालत हुआ है सोचे सामने। अबे तो चुप, तू मेरे पूरे कंधे पे सोया है बेटे, हंस मत। तेरा सिविल इंजीनियर है ना, तेरे को चलता है। मेरे को इंजीनियर आप लोगों ने इसीलिए बनाया ताकि इस तरह से बीच में एसयूवी में बैठो, खट 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 कितने गड्ढे आ रहे हैं। तेरे को पत्थर पे बैठने की आदत है, पत्थर सरिये पे बैठा तो फिर नींद दर्द सोएंगे नहीं क्या भाई? क्या नींद आएगी तो सोएंगे नहीं, ऐसा ट्रेवलिंग करेगा तू? देखो गया अभी सुस्तड़ कहीं का अंदर सोने। अरे भाई छोटी इलायची, तेरे को भी निकला नहीं जा रहा है, कूद जा कूद जा। क्या अबे बेटे तू पीछे बैठ के सिर्फ सोया है, क्या लग रहा है? सेकेंड ब्रेक एंड राइट नाउ इट इज 7:30 AM इन द मॉर्निंग एंड वी आर समवेयर अराउंड 65-70 किलोमीटर बिफोर कोल्हापुर। और भाई कैसा है आपका एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम ऐसा फुल साइज रगेट और रियल SUV चलाने का? SUV फुल एडवेंचर फीलिंग लाइक पजेरो काइंड, पजेरो बट हो गया ना वो जो सीट लोगों का कंफर्ट था। हां शोल्डर पे है थोड़ा फीलिंग, एफर्ट ज्यादा लगता है, एफर्ट लगता है बट पता नहीं चलता है। एक्चुअल में ये पूरा एडवेंचर पार्क जैसे ही एकदम मस्त जंपिंग जब पार्क हम लोग आ रहे पूरा। अपना सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि हम लोगों को अभी हो रहा है 7:30 और जितने भी मेजर कायोटिक्स ट्रैफिक वाले एरिया थे, सिटी एरिया क्रॉस कर दिए, सब क्रॉस कर दिया। अभी अपने को मेन वही है, एक अम्बोली घाट लगेगा, वो एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बाद में वो अंदर का जो बेलगाम का अंदर का एरिया रहेगा वो, उसके बाद उसके बाद तो अपने को सीधा एंट्री है, टाइम पे रीच हो जाएंगे। हमारा डेस्टिनेशन है वो भी लास्ट टाइम के जैसा सेम ही है, ब्लिस वाटर रिसोर्ट जहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम रुके थे। और मौसम तो आप लोग देख ही रहे हो कितना अच्छा है, और इस तरह के टूर के लिए एकदम परफेक्ट मौसम है। क्यों जड़ा रहे हो क्या भैया जी? ठंडी लग रही है, ठंडी लग, उसको ही जड़ा ना कहते, पूरी ठंडी लग रही है। क्या एक फोटो के लिए मेरे को हटा रहे हो आप? सही है भाई।
24 होगा कि ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ पे विट्ठल कामत रेस्टोरेंट पे ब्रेक लिए, हमारा थर्ड ब्रेक। और ये जो रेस्टोरेंट है ये महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पे ही है, तो ये हमारा महाराष्ट्र का आखिरी ब्रेक रहेगा। इसके बाद कर्नाटका एंटर करके गोवा बॉर्डर, और उसके लिए अराउंड अभी थ्री एंड हाफ आवर लगेगा। भाई ट्रिप का पहला ब्रेकफास्ट तो करा दिए, चाय कब ला रहे हो? बस जस्ट बाजू में ही। जाग ये भी जाग गया। क्या बारिश का है ना? क्या नहीं, वहां पे थार भी लेके गए भाई। क्या रे भाई मेरे पीछे सो रहा है तू? उधर देखो उसको बिल्ले को बोलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। फिर गया हाई लेवल स्लीपिंग, कुछ पे भरोसा है दोपहर के पहले के नहीं उठ नहीं सकता हूँ आज के दिनों भी। तो हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, अपने रिसोर्ट पे, ब्लेज वाटर रिसोर्ट। हम लोग यहाँ पर पे ऑलमोस्ट 3 बजे तक पहुंच गए थे, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे चेकिंग वगैरह का प्रोसेस कर रहे थे और बाकी सब क्या हुआ। हाँ खुला खुला है, तो यही सारे प्रोसेस में लगे हुए थे इसलिए अभी थोड़ा लेट अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 इसलिए बज गया आने के लिए क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे अम्बोली घाट में थे तो अम्बोली घाट में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा फॉग आ गया था, फॉग का जो कंडीशन था बहुत ज़्यादा डेंस था, तो उसकी वजह से हम लोग को ब्रेक ले लेकर के आना पड़ रहा था। और इतना अच्छा क्लाइमेट था तो हम लोग भी इन्जॉय कर रहे थे, उसमें ज़्यादा रश नहीं कर रहे थे। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी सब लोग अपना जो भी है चेकिंग करने के बाद लोडिंग जो था वो सब अनलोडिंग करेंगे। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, जहाँ पे पूरा जो रूम टूर है और जो भी रिसोर्ट टूर है वहीं से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने भी लगभग 1 महीने के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया, तो अगर आप लोग ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा तो इस ब्लॉग पे वो लाइक कर देना, चैनल पे नए रहोगे तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये सीरीज बहुत मज़ेदार होने वाली है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में जल्दी।